हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए सेकेंडरी के मानव भूगोल में मानव भूगोल की जो फ्रांसीसी विचारधारा है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे, और आज की वीडियो में हम मानव भूगोल की जो अमेरिकन विचारधारा है उसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, मानव भूगोल की जो अमेरिकन विचारधारा है उसके जो प्रमुख जो विद्वान हैं उनमें हम सबसे पहले आज पढ़ते हैं कुमारी सेम्पुल के बारे में। कुमारी चर्चिल सेम्पुल यह एक अमेरिका के एक प्रसिद्ध भौगोलिक विचारक थी जिसने नियतिवाद पर विश्वास किया था, पर्यावरणीय नियतिवाद को माना था। जिसने किसको माना था? पर्यावरणीय नियतिवाद या पर्यावरणीय निश्चयवाद को, पर्यावरण निश्चयवाद में विचारधारा में विश्वास करने वाली यह एक अमेरिका की प्रसिद्ध भौगोलिक विचारक थी। इसने अपने जीवन काल में पर्यावरणीय विचारधारा, पर्यावरण जो निश्चयवादी विचारधारा है उसका अमेरिका में सबसे पहले जो क्रमबद्ध और व्यवस्थित विवरण प्रस्तुत किया था, उसका प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, और आगे हम इसकी जो जीवनी है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये कुमारी सेम्पुल का जो जन्म है केंटुकी राज्य के लुइसविले नगर में हुआ था। उनका जन्म केंटुकी राज्य के लुइसविले नगर में इनका जन्म हुआ था, और इनकी जो शिक्षा है वो वसार में हुई। उनकी उच्च शिक्षा, उन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? वसार से। वसार में इनकी शिक्षा, इनको शिक्षा मिली वसार से। उसके बाद हम देखते थे इन्होंने भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में इन्होंने अध्ययन किया। इन्होंने अध्ययन किन किन विषयों में किया? भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र। इन विषयों में कुमारी सेम्पुल ने अध्ययन प्राप्त किया। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था वो केंटुकी राज्य के लुइसविले नगर में इनका जन्म हुआ। इनकी शिक्षा कहाँ से हुई? वसार क्षेत्र से, वसार नगर से। और इन्होंने भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र पर इन्होंने अध्ययन किया। इन्होंने अमेरिका में वातावरण निश्चयवाद की विचारधारा को सुव्यवस्थित और प्रभावशाली विधि से लिखा और प्रस्तुत किया। ठीक है, ये मैंने पहले आपको बताया है कि कुमारी सेम्पुल ने अमेरिका में जो इसका जो पर्यावरणीय जो निश्चयवादी विचारधारा है उसका प्रसार प्रसार उन्होंने सबसे पहले किया, और क्रमबद्ध रूप से उन्होंने प्रस्तुत किया। कौन सी विचारधारा को? निश्चयवादी विचारधारा को, जिसके अंतर्गत हमने पहले पढ़ चुका है कि निश्चयवादी विचारधारा के अंतर्गत क्या होता है कि मानव और पर्यावरण में किसको महत्व दिया गया है? पर्यावरण को। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो सेम्पुल को उनके विशिष्ट कार्यों के लिए अमेरिकन भौगोलिक सोसाइटी द्वारा स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। ठीक है, फिर आगे इनके बारे में हम देखते हैं तो सेम्पुल ने वातावरण निश्चयवाद को मानव भूगोल का अभिन्न अंग माना। मतलब इन्होंने किसने विश्वास किया, इन्होंने किस विचारधारा का समर्थन किया? वातावरणीय निश्चयवाद का इन्होंने समर्थन किया। निश्चयवादी विचारधारा के अंतर्गत इन्होंने भी मानव और पर्यावरण में पर्यावरण को सर्वोपरि माना। ठीक है, उन्होंने मानव पर वातावरण का पूर्ण नियंत्रण बताया। उन्होंने भी यही बताया कि मानव के ऊपर पर्यावरण का पूर्ण नियंत्रण है। ठीक है, और वह अपने पर्यावरण है वो मानव पर अपने प्रभाव मानव पर डालता है, और मानव अपने प्रभावों को ना तो कम कर सकता है और ना ही वह समाप्त कर सकता है। ठीक है, फिर उन्होंने अपने एक उन्होंने ग्रंथ लिखा जिसका नाम था भौगोलिक वातावरण के प्रभाव। उनका ग्रंथ था भौगोलिक वातावरण के प्रभाव, इनका प्रसिद्ध ग्रंथ था।
ठीक है, ये इनका ग्रंथ था। अब देखिए यहाँ तक हम देखते हैं कि यहाँ से कौन कौन से मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए सबसे पहला इनका ये क्वेश्चन बनता है कि जो कुमारी सैंपल थी वो किस विचारधारा में विश्वास करती थी, कौन सी विचारधारा में, पर्यावरणीय निश्चयवाद में, मतलब पर्यावरण को, पर्यावरण निश्चयवाद की वादी विचारधारा को मानने वाली यह अमेरिका के प्रसिद्ध विचारक थी। ठीक है, और ये कहाँ की थी, अमेरिका की। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो इन्होंने समर्थन किया वातावरण निश्चयवाद को, और फिर उन्होंने मानव और पर्यावरण में किसको सर्वोपरि माना, मानव को। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका जो ग्रंथ था, इनके ग्रंथ का नाम क्या था, भौगोलिक वातावरण के प्रभाव, भौगोलिक वातावरण के प्रभाव ग्रंथ की रचना किसने की, कुमारी सैंपल ने। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा। इसके बाद इसके आगे हम देखते हैं कि इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ था भौगोलिक वातावरण के प्रभाव, इस ग्रंथ में इन्होंने क्या बताया है। देखिए इसमें हम देखते हैं कि उन्होंने अपने भौगोलिक वातावरण के प्रभाव के प्रथम पृष्ठ पर उन्होंने लिखा है कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है, मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है, मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है, जिसका अर्थ यही नहीं कि वह पृथ्वी का बच्चा मात्र है, जिसका अर्थ यही नहीं कि वह मात्र एक बच्चा है, मात्र एक बच्चा है कि मात्र एक वह बच्चा है, तथा उसको धूल का कण है, तथा उसकी धूल का कण है, धूल का कण है, धूल का कण है। इसके बाद उन्होंने बताया कि वरन यह पृथ्वी उसकी माता है, वरन यह पृथ्वी उसकी माता है, पृथ्वी उसकी माता है, उसने इसे मातृत्व प्रदान किया है, उसने इसे मातृत्व प्रदान किया है, मातृत्व प्रदान किया है और उसका पालन पोषण किया है, और उसका पालन पोषण किया है। तो ये एक सैंपल की जो महत्वपूर्ण जो पुस्तक थी भौगोलिक वातावरण के प्रभाव, उसका एक महत्वपूर्ण कोटेशन है। अगर आपके एग्जाम में से कुमारी सैंपल से संबंधित कोई बड़ा क्वेश्चन आता है, उसमें आप ये कोटेशन लिखना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यही एक कुमारी सैंपल के कुमारी सैंपल से संबंधित जो भी डिस्क्रिप्शन है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है। तो इसने कुमारी सैंपल ने अपने ग्रंथ में बताया है कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है, ठीक है, जिसका अर्थ यही नहीं कि वह एकमात्र बच्चा है, पृथ्वी तल की उपज उसने बताया है, लेकिन इसका अर्थ केवल यह नहीं है कि वह एकमात्र बच्चा है तथा उसकी धूल का कण है, ठीक है, वरन क्या है, वरन यह पृथ्वी उसकी माता है, उसने इसे मातृत्व प्रदान किया है और उसका लालन पालन किया है, ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण, ये पूरा आपको क्वेश्चन आपको याद रखना है, आपको अगर एग्जाम इससे संबंधित कुमारी सैंपल से संबंधित क्वेश्चन आता है तो आपको ये लिखना जरूर है, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में हम देखते हैं तो मानव एवं पर्यावरण के इन परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल में किया गया है। मानव कुमारी सैंपल ने भी अपने द्वारा रचित जो भी ग्रंथ उन ग्रंथों में मानव और पर्यावरण से संबंधित जो भी अंतर संबंध है, उनके अंतर संबंध, उनके परिवर्तनशील जो भी अंतर संबंध है, उनके आपस में अंतर संबंधों का वर्णन उसने अपने सभी ग्रंथों में किया है, ठीक है। सैंपल के अनुसार मानव भूगोल क्रियाशील मानव एवं अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। उन्होंने एक परिभाषा दी है सैंपल के अनुसार, सैंपल के अनुसार मानव भूगोल क्रियाशील मानव
मनोभूगोल क्रियाशील मानव एवं अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। पृथ्वी के परिवर्तनशील अंतर संबंधों का अध्ययन है। ये मानव भूगोल की उसको वाले सैंपल ने परिभाषा बताई है कि मानव भूगोल क्या है। सैंपल के अनुसार मानव भूगोल क्रियाशील मानव एवं अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील अंतर संबंधों का ही अध्ययन है। इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने कुमारी सैंपल के बारे में पढ़ा है, जो एक प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलवेत्ता थी और उन्होंने भी अपने मानव भूगोल के विकास में अनेक योगदान दिए हैं। और उन्होंने सर्वप्रथम अमेरिका में ही जो उनकी जो विचारधारा है निश्चयवादी विचारधारा, उसका उन्होंने प्रचार प्रसार किया, उन्होंने स्थापित किया वहाँ पर अपनी निश्चयवादी विचारधारा को। इसकी आज की वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम अगले जो विचारक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।